उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग पदों के करीब 1950 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी क्रम में जिलाधिकारी सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा के 19 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। नियुक्ति पत्र पाकर लोगों ने योगी सरकार का धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश सरकार अब लगातार बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यूपी के जितने भी सरकारी विभाग हैं, उनमें खाली पदों पर भर्तियों के लिए योगी सरकार ने सभी विभागों से ब्यौरा मांगा था। विभागों ने डेटा उपलब्ध कराया तो नौकरी दिए जाने की शुरुआत भी हो गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग पदों के करीब 1950 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी क्रम में आगरा जिलाधिकारी सभागार में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में आगरा के 15 लोगों को ग्राम पंचायत अधिकारी और 4 लोगों को समाज कल्याण अधिकारी पद पर नियुक्ति पत्र मिले हैं। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, अन्य पार्टी के नेता मौजूद रहे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योगी सरकार में पारदर्शिता से नियुक्तियां हो रही हैं। इसी क्रम में दीपावली से पूर्व नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हर जिले में लोगों को रोजगार मिला है। योगी जी ने 1950 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर रोजगार के दरवाजों को खोला है। जो लोग कहते थे योगी सरकार में नौकरी नहीं मिलती, यह उनके मुँह पर थप्पड़ है। जब से मोदी जी की और योगी जी की सरकार आई है, पारदर्शी तरीके से नियुक्तियाँ हो रही हैं। उसी क्रम में आज दीपावली से के पूर्व ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हर जिले में, लखनऊ में बड़ी संख्या में माननीय योगी जी द्वारा ये वितरण किया गया है और ये एक संदेश देता है कि जिस पारदर्शी तरीके से ये काम पूरा हुआ है, निष्पक्षता से पूरा हुआ है, आगे जो जनरेशन इसको प्राप्त कर रही है उससे भी अपेक्षा की जाती है कि वह भी जनता का काम उतने ही पारदर्शी तरीके से करे। नौकरी जो लोग कहते थे कि नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी है, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। महापौर हेमलता दिवाकर ने कहा कि 2014 से सरकार निष्पक्ष होकर काम कर रही है। जिस तरीके से पारदर्शिता से नियुक्तियां की गई हैं, आगरा में योगी सरकार ने 19 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आप लोग भी जानते हो कि 2014 से जब से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और 2017 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो सरकार की पारदर्शिता आज एक बार फिर से साबित हुई कि सरकार ने निष्पक्ष तरीके से आज जो हमारी नियुक्ति हमारे ग्राम विकास अधिकारियों को और जो हमारे जो 19 जो नियुक्ति पत्र आज हमारे आगरा में वितरण किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर लखनऊ से आज 1950 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। मैं उन सबको बधाइयां देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने कहा, सबसे पहले केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को धन्यवाद करती हूं। 2014 से पहले जिस तरह दूसरी सरकारें जातिगत और रिश्वत के आधार पर नौकरी देती थीं, मगर आज इसके बिल्कुल विपरीत है। जिस तरीके से पारदर्शिता से यह नियुक्तियां हुई हैं, सरकार को धन्यवाद देती हूं और नौकरी पाने वाले युवाओं को शुभकामनाएं। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं अपनी केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की योगी जी को सरकार को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे प्रदेश में जहाँ पर हमेशा जाति के आधार पर और रिश्वत के आधार पर जहाँ सिलेक्शन होता था स्टूडेंट्स का, आज हमारी योगी सरकार ने प्रतिभा के आधार पर और बच्चों और जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं उनके अंदर काबिलियत है उसके बेस पर उनका सिलेक्शन किया है, क्योंकि और आज वो सिलेक्शन करके एक अच्छे भारत और अच्छे समाज की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। क्योंकि निशी दुबे ने बताया कि दीपावली से पहले नियुक्ति पत्र मिलना किसी तोहफे से कम नहीं है, शायद इससे बड़ा तोहफा हमें दीपावली पर कोई नहीं दे सकता। और मेरा ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई है और हमें दीपावली के पद पर ही सरकार की ओर से बहुत अच्छा तोहफा मिला है और बहुत खुशी हो रही है। और हम आश्वासन देते हैं कि मैं, मेरे सारे साथीगण, सभी नवचयनित ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। भाजपा और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की तरफ से हम लोगों को नियुक्ति मिली है, जो दीपावली से पहले मिलना हम लोगों के लिए बहुत खुशी की और बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को पूरी पारदर्शिता के तरीके से, बिना भेदभाव के, हमारी मेरिट के आधार पर हम लोगों को यहाँ पे अपना जिला मिला हुआ है और ये बहुत खुशी की बात है। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और बाकी के हमारे अधिकारीगण को, जो हमारे आगरा से हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने हमें
दीपावली से पहले ही बहुत अच्छा उपहार दिया है। हम सभी लोग खुश हैं, आश्वासन देते हैं हम और हमारे सभी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। सी न्यूज़ के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।